फाल्गुन आया तो हर तरफ होली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार होली का उत्सव कैलाश पर्वत पर मनाया जा रहा था। वहां पर सभी शिवगण होली की तैयारियां कर रहे थे। माताश्री, पिताश्री, ये देखिए मैंने कितने सुंदर फूलों के रंग तैयार किए हैं और मैंने भी। अरे वाह, मेरे बच्चों ने तो बहुत सुंदर होली के रंग बनाए हैं। अब मैं सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी। पकवान? माताश्री, मेरे लिए लड्डू जरूर बनाना। आपको तो पता ही है कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है। हाँ हाँ, पता है कितने पसंद है। सारे लड्डू खुद ही खा जाते हो। लड्डू मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तुम्हें सिर्फ दो मिलेंगे। नहीं, मुझे तो बहुत सारे खाने हैं। माताश्री, मुझे बहुत सारे देना। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, लड्डू खाने के लिए बनवाने भी तो पड़ेंगे। क्या तुम अपनी माताश्री की सहायता नहीं करोगे? अवश्य पिताश्री। चलिए माताश्री, हम लड्डू बनाने में आपकी सहायता करते हैं। चलो भैया कार्तिकेय। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों माता पार्वती के साथ होली के लिए पकवान बनाने में मदद करने लगते हैं। तभी नारद मुनि भी आ जाते हैं। नारद मुनि के हाथ में एक बड़ा कलश था। अरे देवर्षि नारद, आइए आइए, आपके हाथ में ये कलश कैसे? प्रभु, होली की तैयारी में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने सोचा मैं भी कुछ इंतजाम कर लूं। इस कलश में गुलाल है प्रभु, मुझे लगा बिना गुलाल के होली कैसी, इसीलिए मैं गुलाल ले आया। मैंने अपने हाथों से बहुत गहरा गुलाल बनाया है, इसका रंग उतारे नहीं उतरेगा। फिर तो बहुत आनंद आने वाला है प्रभु, मैं तो मस्ती में झूम रहा हूँ। होली आई रे, रंग बिरंगी होली आई रे, रंग बिरंगी होली आई रे। नंदी ने गुनगुनाना शुरू किया और पीछे पीछे सभी शिवगण भी नाचने लगे। सब तैयारी हो गई। होली का दिन आया और स्वर्ग के सभी देवी देवता कैलाश पर आने लगे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ, देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ, देवराज इंद्र, अग्निदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, सूर्यदेव आदि। स्वामी, आज तो आपको गुलाल लगवाना ही होगा, आज आप बच नहीं सकते। नहीं नहीं देवी पार्वती, मुझे रंग नहीं लगाना। बस थोड़ा सा, इतना सा। अरे अरे देवी पार्वती, इतना इतना सारा गुलाल, तुमने तो थोड़ा सा कहा था। अब मैं तुम्हें भी गुलाल के रंग में रंग दूंगा, अभी तुम्हें गुलाल में भिगो दूंगा। नहीं नहीं स्वामी, बिल्कुल नहीं। और फिर हंसी ठिठोली के बीच भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरा कैलाश होली के रंग में रंग गया। सब होली खेल रहे थे। किसी को आभास नहीं हुआ कि कुछ दैत्य भी देवताओं के बीच शामिल हो गए। यही मौका है, देवताओं के बीच में रूप बदल कर शामिल हो जाते हैं और ये बेहोश करने वाला रंग सभी देवताओं पर छिड़क देंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो सब अपनी अपनी मुट्ठी रंगों से भर लो। और देवताओं के बीच में जाकर होली के रंग उड़ाने का विचार किया, पर जैसे ही उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर रंग उड़ाया, वो रंग फूलों में बदल गया। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी। सब खुशी से झूमकर फूलों की होली खेलने लगे। तभी देवताओं के रूप में छुपे हुए असुर वापस अपने रूप में आने लगे। अरे, हम सबके बीच दैत्य छुपे हुए थे, अवश्य ये हमारी होली के उत्सव में खलल मचाने आए होंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बताओ, वरना तुम्हें दंड देने में मुझे क्षण भर भी नहीं लगेगा। अब हे भोले भंडारी, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, हमें बचा लो। प्रभु, हमसे भूल हो गई, हमें जाने दो प्रभु। आज होली का उत्सव है। होली भाईचारे का प्रतीक है और त्योहार के अवसर पर मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें दंड दिया जाए, इसलिए आज मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। जाओ, इसी क्षण वापस लौट जाओ। महादेव, आपकी जय हो, महादेव आपकी जय हो। भगवान शिव पहले ही पहचान चुके थे कि असुर होली खेलने के लिए शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने ही यह सारी लीला रची थी। असुर भगवान शिव की जय बोलते हुए वापस चले जाते हैं। महादेव, यूं ही नहीं आपको भोलेनाथ कहा जाता है, आप दैत्यों को भी क्षमा दान दे देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठता है।
आपने बिल्कुल उचित कहा ब्रह्मदेव, यही तो महादेव की प्रमुखता है। अरे होली खेलने के बीच वो कलश तो हम भूल ही गए जिसमें मैं विशेष रंगों से गुलाल तैयार करके लाया था। देवी पार्वती, वो कलश कहाँ है? देवर्षि नारद, उस कलश का रंग तो हमने अपनी पिचकारी में भर लिया, अब आप नहीं बचने वाले। आपने ही तो कहा था कि ये ऐसा रंग है जो कभी नहीं उतरेगा। अब आप कैसे बचोगे देवर्षि? बच्चे आपको रंग कर ही मानेंगे, आपका खुद का बनाया रंग आपको खुद ही लग जाएगा। नहीं नहीं बाल गणेश, बाल कार्तिकेय, देखो ये रंग बहुत गहरा है, मुझे मत रंगना। सब खूब जोर से ठहाका लगाकर हंसे। सबने खूब होली खेली, हर तरफ रंगों की फुहार थी, खुशियां ही खुशियां। पूरा आसमान होली के रंगों से भर गया। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर खूब होली खेलकर अपने अपने धाम वापस लौट जाते हैं। जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी शिव मंदिर जा रही हूँ, आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रहे बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू खीर का प्रसाद। अच्छा मैं राधा के घर जा रही हूँ, सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था, फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान है, हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है, वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है जिससे उसकी। बस और कुछ मत बोलो, मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है, आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ कर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियाँ तो पराई होती हैं कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक। इस बात पर वहाँ खड़े सब लोग हंस लेते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं ना कहीं वही डर फिर से था। राधे की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरम्भ करती है। कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ दे ही दे, और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए।
कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं। ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे अब कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा। हे शिव शंभु, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान। कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है। भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है, अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु, आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूँ। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है, मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोंच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत ही संपन्न परिवार में कुमकुम का विवाह हो जाता है। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत खुश थी।